everyone. Now in this session, we are going to talk about the important topics from the biological classification for the NEET point of view. Now हमें ये याद रखना है कि biological classification is the very very important chapter when you are considering this for the NEET examination. There are few concepts जिन पे repeatedly compulsory question पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं I would say. Okay. So, मैं आपको आज बताऊंगी कौन से टॉपिक्स पे क्वेश्चंस रिपीटेडली नीट में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से पूछे जाते हैं. कुछ भी हो जाए ये 2 से 3 टॉपिक आपको करने हैं, मतलब करने हैं. और यू मस्ट हैव अवेयर अबाउट कि आपको एनटीए का जो टेस्ट है, एनटीए मतलब क्या, देखिए एनटीए ऐप का जो टेस्ट है ये आप टेस्ट सॉल्व करिए. पहले तो आपको ये डाउनलोड करना है आपके मोबाइल में, फिर उसके बाद आपको चैप्टर वाइज टेस्ट सॉल्व करना है. ये वही एजेंसी है जो नीट का पेपर बनाती है, राइट. सो आपको उस इसके चैप्टर वाइज, इस ऐप के चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. ये क्यों करने हैं, बिकॉज हमें उनका जो क्वेश्चन बैंक है, उनका क्या स्ट्रेटेजी है एग्जाम फॉर्म क्वेश्चन फॉर्म करने का, ये हमको पता चलेगा. तो एनटीए ऐप के जो पेपर्स मैंने भी सॉल्व किए हैं चैप्टर वाइज, उसमें आपको जिन चीजों पे क्वेश्चन पूछे गए हैं उस चैप्टर में, मैं वो भी टॉपिक्स आपको यहाँ बताऊंगी. जो नीट ऐप के हिसाब से जो मैंने टेस्ट पेपर सॉल्व किए हैं पर्सनली, उस हिसाब से मेरे ऑब्जर्वेशन में जो पॉइंट्स है जिन पे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो टॉपिक मैं आपको बताऊंगी. एट द सेम टाइम आई विल बी टेलिंग दिस टू यू कि राइट फ्रॉम द 2013 से लेके अब तक कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन रिपीटेडली आ चुके हैं. सो यू ऑल हैव टू गो थ्रू द एंटायर चैप्टर, बट जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, जो चीज इंपॉर्टेंट है उस पर थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करके हम उसको प्लस 4 के लिए प्रिपेयर करके रखेंगे. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ये चैप्टर जो है इसको पहले हम पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे. पहले तो हमें इस चैप्टर को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के हिसाब से समझ लेना है. सो यस, दैट इज वेरी इजी. 5 किंगडम सिस्टम वॉज प्रपोज बाय R.H. Whittaker. ईयर कौन सा है ये भी आपको लिख के रखना है नोटबुक में और बार बार गो थ्रू करिए. यू कुड ऑल्सो गेट दिस क्वेश्चन इन द मैच द पेयर्स. ओके, अभी सबसे पहला जो किंगडम है विच इज अ मोनेरा, राइट. अभी मोनेरा में बैक्टीरियोलॉजी आता है, राइट. सो आई एम जस्ट राइटिंग हियर फर्स्ट ऑफ ऑल द मोनेरा. मोनेरा जो ये किंगडम है, बेसिकली इसको आप सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के साथ भी क्लब कर सकते हो, बिकॉज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में भी आप प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ोगे. सी, आर यू गेटिंग माय पॉइंट. मतलब हमको, जैसे मैंने बोर्ड के सीरीज में भी बताया था, वी हैव टू कोरिलेट मल्टीपल थिंग्स विद द मल्टीपल चैप्टर्स. लाइक अगर सपोज मान लीजिए ये मोनेरा है, वहां अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे तो उसका नेचर हम यहाँ भी करके रखते हैं. एंड ऑल्सो ऑन टॉप ऑफ दैट बैक्टीरियोलॉजी आपको 12th स्टैंडर्ड में मॉलिकुलर बेसिस में आएगा, कोई एक्सपेरिमेंट है वहां, और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में भी आएगा. सो बैक्टीरिया हर एक चीज में, हर एक एस्पेक्ट में एक ही बार प्रिपेयर करिए, सो दैट मोर देन 4 और 3 चैप्टर्स का वो जो कॉन्सेप्ट है पर्टिकुलर, उसका प्रिपरेशन आपका हो जाता है. सो यही एक स्ट्रेटेजी होती है जो आपका टाइम सेविंग होती है. ओके, सो मोनेरा में, जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, मोनेरा में आरके बैक्टीरिया एक्सट्रीम सिचुएशन को टॉलरेट करता है. इसमें काफी बार क्वेश्चन है, सो आई एम जस्ट राइटिंग हियर. आरके बैक्टीरिया जो है वो एक्सट्रीम सिचुएशन को टॉलरेट करता है, और एनसीईआरटी में 3 ऐसी सिचुएशन दी हुई है जहां आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है. सो आई एम राइटिंग हियर द 3 एक्सट्रीम सिचुएशंस. क्यों करना है, बिकॉज ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ये सीईटी लेवल का भी क्वेश्चन है. ओके, नाउ आरके बैक्टीरिया के बाद उन्होंने यू बैक्टीरिया दिया हुआ है. यू बैक्टीरिया हम कहाँ कनेक्ट कर सकते हैं बताइए मुझे. यू बैक्टीरिया हम मिनरल न्यूट्रिशन में कनेक्ट कर सकते हैं, राइट. मिनरल न्यूट्रिशन में हमने उसको कहाँ कनेक्ट करना है, नोड्यूल फॉर्मेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, एंड ऑल्सो ऑन टॉप ऑफ दैट माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में भी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में करेंगे. सो साइनो बैक्टीरिया, आरके बैक्टीरिया के बाद वी हैव टू अंडरस्टैंड द यू बैक्टीरिया. अभी यू बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स पे हमें फोकस करना है. यू बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स कौन से रहेंगे, लाइक साइनो बैक्टीरिया में अगर हम कंसिडर करेंगे तो उसमें है नॉस्टॉक, एनाबिना, हेटेरोसिस्ट इसमें होता है फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन. सो जस्ट गो थ्रू दैट हेटेरोसिस्ट वाला डायग्राम.
ये मैं जो भी चीजें आपको बता रही हूँ, आई एम जस्ट मैं आपके थोड़ा लाइफ इजी कर रही हूँ. इन दैट वे ओनली यू हैव टू गो थ्रू दैट चैप्टर एंड रिमेम्बर ऑल्सो, बिकॉज इन चीजों पे क्वेश्चंस आ चुके हैं. सो मोनेरा से हम आर के बैक्टीरिया करेंगे, उसकी तीन सिचुएशंस दी हुई है. यू बैक्टीरिया में हम एग्जाम्पल्स पे ज्यादा फोकस करेंगे, बिकॉज यही एग्जाम्पल हमारे मिनरल न्यूट्रिशन में भी रिपीट होने वाले हैं. वजह हम क्या करने वाले हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो N2 बायोलॉजिकल फिक्सेशन हम पढ़ेंगे वहां. उसके साथ साथ यहाँ एक माइकोप्लाज्मा टर्म दिया है, दे हैव गिवन द माइकोप्लाज्मा टर्म ऑल्सो. सो माइकोप्लाज्मा की कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखनी है. माइकोप्लाज्मा की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक याद रखोगे, ये स्मॉलेस्ट है, जिसके पास सेल वॉल नहीं है, ये एनएरोबिक सिचुएशन में भी ड्वेल करता है, एंड दिस इज अ पैथोजेनिक टू प्लांट्स एंड एनिमल्स. एंड ऑल्सो ऑन टॉप ऑफ दैट ये काफी सारे एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंस करता है. नाउ दिस इज नॉट देयर इन एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी में पॉइंट नहीं है जो कि वो रेजिस्ट करता है, बट स्टिल यू हैव टू रिमेंबर, बिकॉज इफ यू गेट अ 5 स्टेटमेंट्स फॉर दिस वर, और उसमें से अगर एक एंटीबायोटिक को लेके रह गया तो फिर आपकी दिक्कत हो जाएगी, आप वहां थोड़े से कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में चले जाओगे. सो रिमेंबर दिस थिंग, ये एंटीबायोटिक को भी रेजिस्ट करता है, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इट हैज. सो इमेजिन ये कितना स्ट्रांग है नेचर में. माइकोप्लाज्मास पे भी काफी क्वेश्चन आ चुके हैं. सो व्हेन यू रीड दैट चैप्टर ना, मोनेरा वाला पार्ट जब आप पढ़ोगे तो मेक श्योर करो आरके बैक्टीरिया के एक्सट्रीम सिचुएशन वाली 3 कंडीशंस लाइक हैलोफाइल, थर्मो एसिडोफाइल्स एंड मिथानोजेंस याद रखोगे, एंड हाउ द आरके बैक्टीरिया इज डिफर फ्रॉम द यू बैक्टीरिया, दैट यू ऑल्सो हैव टू अवेयर. वो बहुत ईजी है. फिर यू बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स हेटेरोसिस्ट क्यों है, मैंने आपको पहले ही बताया, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है. माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा की 4 कैरेक्टरिस्टिक एनसीईआरटी में है जो मैंने यहाँ लिखी नहीं है. मैंने जो एनसीईआरटी में नहीं है, जिसपे क्वेश्चन पूछने का चांस बनेगा, वो मैंने लिखवा के दिया है. तो ये बच्चा वीडियो देख रहा है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को बहुत ध्यान से सिस्टमेटिकली करिए, बिकॉज ये चैप्टर पे काफी अच्छे से और हाईलाइटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ओके, हमारे लिए +4 and +4, हर एक +4 बहुत इंपॉर्टेंट है. चलो तो ये हो गया, इट वॉज ऑल अबाउट द मोनेरा. नाउ द सेकेंड किंगडम इज प्रोटेस्टा. प्रोटेस्टा में हमको पता है कि सारे यूनिसेल्युलर क्रिएचर्स हम वहां रखते हैं, जो यूनिसेल्युलर कौन से, यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर फ्रॉम द फंगाई प्लांटे एनिमलिया, राइट. प्रोटेस्टा जो है इट वॉज अ 3rd किंगडम प्रपोज्ड बाय द हैकेल, राइट. ओके, अभी प्रोटेस्टा में उन्होंने क्राइजोफाइट्स, डिनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स दिया हुआ है. अभी मैं आपको बता रही हूँ, इसमें कंपल्सरी इक्वेशन रहता है. इट इज माय ऑब्जर्वेशन एंड आल्सो फ्रॉम द एनटीए आपका टेस्ट जो सॉल्व किया है, उससे मैं आपको बता सकती हूँ कि इसमें इक्वेशन रहेगा. क्राइजोफाइट्स जो पहला है जिसमें डायटम्स आते हैं, दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन, दैट इज वाई वी कैन से दे आर रिस्पॉन्सिबल, और वी कैन से द अर्थ इज अ डायटमेशियस इन अर्थ. इनकी सेल वॉल सिलिका से बनी होती है, सोप बॉक्स जैसी होती है, इनडिस्ट्रक्टिबल होती है, इसलिए हम उसको कमर्शियल यूज के लिए यूज करते हैं. अगर आप मेरे कम्युनिटी पोस्ट में जाके देखोगे तो मैंने जो क्वेश्चंस पूछना शुरू किए हैं, वो क्वेश्चंस आप अगर वहां जवाब देते हो तो वो आपके परफेक्टली प्रिपेयर हो जाएंगे, और ऐसे ही क्वेश्चंस मैं वहां पूछ रही हूँ जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. फ्लैजेलेट्स रेड टाइप प्रोड्यूस करता है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एग्जाम्पल के साथ याद रखिए बिकॉज एनडीए ऐप में क्वेश्चन है. यूग्लिनॉइड्स यूग्लिना जैसा है, इट हैज अ ड्यूअल मोड ऑफ नरिशमेंट, सनलाइट मिला तो ऑटोट्रॉपिक है, सनलाइट नहीं मिला तो वो रोते नहीं बैठता है, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ नरिशमेंट शो करता है. एंड सरप्राइजिंगली इट हैज पिगमेंट्स विच इज सिमिलर टू द हायर प्लांट्स फॉर द फोटोसिंथेसिस, इजंट इट अमेजिंग. स्लाइम मोल्ड्स में प्लाज्मोडियम है, और प्रोटोजोन को आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के साथ कंपेयर कर सकते हो. सो इन तीनों को, मतलब ये जो भी कैटेगरी है इसमें से एक क्वेश्चन तो आपको बनेगा. देखिए, अगर हम एक क्वेश्चन मोनेरा से कंसिडर करते हैं तो दूसरा प्रोटेस्टा से बनेगा, तीसरा क्वेश्चन जो बनने वाला है वो फंगाई से बनेगा, बिकॉज इफ यू सी एनटी आपका क्वेश्चन, फंगाई से बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं उन्होंने. सो हमारी भी ये ड्यूटी बनती है कि हम फंगाई पे सारे क्वेश्चन और सारी चीजें पहले ही समझ के रखें. ओके, फंगा ये तीसरा किंगडम क्यों बना है, बिकॉज इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो बहुत ही यूनिक है उसके लिए, और वो है सेल वॉल इज मेड फ्रॉम द काइटिन और दिस इज अ हेटेरोट्रॉपिक क्रिएचर, राइट. ये 2 और 3 कैरेक्टरिस्टिक की वजह से ये सेपरेटली किंगडम बनाया हुआ है. अभी देखिए, इसमें एक मेंबर है जो कि यूनिसेल्युलर है, ईस्ट, जो कि आपको याद रखना है.
ईस्ट कैसे याद रखोगे? इसको हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में भी क्लब करेंगे बिकॉज उसका साइंटिफिक नेम है सैकरामाइसिस सेरेविसी। कुछ याद आ रहा है आपको? सो अलगे के यूनिसेल पे क्वेश्चन हो सकता है तो फंगाई के भी हो सकता है, राइट? सो देखिए इसको याद करके रखिए, हाईलाइटेड चीज है। देखो मैं वापस बोल रही हूँ, चैप्टर तो हम रीड करेंगे लेकिन उसके साथ साथ कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें हैं उसको बार बार रिविजन में हम रीड करेंगे। उसके बाद देखो उसमें क्लासेस है फाइको, एस्को, बैसिडियो एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज, जो आपको याद रखने हैं। इनके एग्जाम्पल्स एंड यूनिक कैरेक्टरिस्टिक याद रखिए। एग्जाम्पल्स हर एक के तीन तीन या चार चार एग्जाम्पल दिए हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग थ्री थ्री एग्जाम्पल याद रखिए। इसको ऐसा मत सोचिए कि मैं एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ लूंगा, दैट इज नॉट गोइंग टू पॉसिबल, बिकॉज इसको कंटिन्यू रीडिंग चाहिए और कंटिन्यू रिविजन चाहिए, तब आप उसको याद रख सकते हो। जब आप एनटीए के ऐप से इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का टेस्ट सॉल्व करोगे तब आपको पता चलेगा कि फंगाई में उन्होंने बहुत सारे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस बनाए हैं जिसमें आपको स्पेसिफिक अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। जैसे यू शुड ऑल्सो अवेयर द सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर्स कौन से हैं, राइट? अभी सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर्स कौन से हैं ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद इनमें से कौन सा सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होता है, ऑल्सो ऑन टॉप ऑफ दैट कौन सा नहीं होता है, जब आप इसको गो थ्रू करोगे तो आपको पता चलेगा। दूसरी चीज इसमें और एक है जिसमें उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं, लाइक न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा कहाँ मिलेगा मैं अभी यहाँ नहीं बताऊंगी आपको, आई वॉन्ट यू ऑल टू गो थ्रू दिस वन। न्यूरोस्पोरा भी है और इसमें मोरल्स एंड ट्रफल्स भी हैं जो कि एडिबल डेलिकेसीज में कंसिडर करे जाते हैं। और ऑल्सो मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज दे रही हूँ, टोडस्टूल। टोडस्टूल कहाँ कंसिडर किया जाएगा बिकॉज इस पे भी क्वेश्चन है। टोडस्टूल एनसीईआरटी में नहीं है बट स्टिल वी हैव टू प्रिपेयर दिस। जो बच्चे स्टेट बोर्ड के हैं, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के, उनके बुक में उन्होंने टोडस्टूल पढ़ा हुआ है बट जो बच्चे सीबीएसई के हैं उनको नहीं पता चलेगा। सो इसलिए मैं जो चीजें आपको बता रही हूँ वो उसमें आपको याद करने ही है और हमेशा रिविजन में उसको कंसिडर करना है बिकॉज इनमें क्वेश्चन बनेंगे, मतलब बनेंगे, ठीक है? ओके, सो ये हो गया हमारा तीसरा किंगडम। फिर उसके बाद प्लांटे एनिमलिया हम अलग अलग चैप्टर्स के वीडियो, रिस्पेक्टिव चैप्टर्स के जो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं बता दूंगी आपको। लेकिन अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें भी एक कंपल्सरी क्वेश्चन बनता है और वो है डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वायरॉइड्स, जो कि आपको करना है, मतलब करना है। वायरस वायरॉइड का डिफरेंस तो करके ही रखिए बिकॉज पिछले तीन साल से कंटिन्यू इस पे एक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो वायरस आप अगेन ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के साथ क्लब कर सकते हो, राइट? ऑल्सो उन आपके बुक में उन्होंने 3 to 4 साइंटिस्ट दिए हैं, उनकी डिस्कवरीज भी मैच द पेयर्स में पूछी जा सकती है, राइट? सो बेसिकली ये भी एक पॉइंट है जहां से क्वेश्चन आएगा। ये चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो हमारा रीडिंग और हमारा रिविजन बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत सिस्टमेटिकली हो जाएगा, जहां हम विदाउट क्रिएटिंग एनी कंफ्यूजन हम उस पूरे चैप्टर को याद रख सकते हैं, ठीक है? अगर आपको फिर भी कुछ डाउट फील होता है, कुछ चीजें आपसे याद नहीं रह रही है, तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज करिए, कमेंट करिए, मैं यहाँ आपके हेल्प के लिए रेडी हूँ, ओके? बट मेक श्योर दैट कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हर एक स्टूडेंट पढ़ेगा, मैंने बताया है वैसा ही पढ़ेगा। दैट वॉज ऑल अबाउट द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड दैट विल बी ऑन द प्लांट किंगडम। चलो नाउ सी यू नेक्स्ट सेशन।